लगभग दोस्तों हम लोग स्वर्गद्वारी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहां पर स्वर्गद्वारी लिखा हुआ है और 14 किलोमीटर है और मेन गेट यहां पर है। यहां से 14 किलोमीटर स्वर्गद्वारी है। तो दोस्तों इस चौराहे का नाम है भिंगड़ी। भिंगड़ी चौराहे से आप लोग कटेंगे स्वर्गद्वारी जाने के लिए। यहां से 14 किलोमीटर है अगर आप लोग बाइक से आते हैं तो, इंडिया से हैं तो। दोस्तों आप लोग देख लीजिए रास्ता, देखिएगा बाइक का आवाज़ चेंज हो गया है। वही रोड है, अभी ऐसे चढ़ेंगे हम लोग, ऐसे होकर ऊपर जाएंगे। अब देखिए किसी तरह बाइक चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं, उतना नीचे से हम लोग आ रहे हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, उतना नीचे से हम लोग आ रहे हैं पर। और पहाड़ के इस पार से उस पार घोड़ारी वाला रास्ता, जो कि पैदल लोग वहाँ से पहाड़ पे चढ़ करके आते हैं, तो हम लोग बाइक लेकर के आए हैं तो पैदल तो उधर से आ नहीं पाएंगे, तो हम लोग यही वाला रोड पकड़े हैं जो कि पहाड़ पे चढ़ रहा है। यही पकड़ के चढ़ते हुए हम लोग जाने वाले हैं फिर और आगे। तो आप लोग आगे वीडियो देखे ही कितना ख़तरनाक रास्ता था, अब इसके आगे कितना ख़तरनाक रास्ता है चलिए दिखा रहे हैं। अब हम लोग पहाड़ का आनंद लेने जा रहे हैं। बहुत डेंजर चढ़ाई है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों हम आप लोगों को एक चीज़ सुनाते हैं, जब भी आप पहाड़ी एरिया में आएंगे तो पहाड़ी एरिया आने के बाद यहाँ पर देखिए किस चीज़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है। हम अपना मुंह को बंद करते हैं। देखिए दोस्तों कीड़ा बोल रहा है, देखिए आवाज़, देखिए दोस्तों आवाज़, देखिए दोस्तों ये पहाड़ी एरिया जंगल का आवाज़। स्वर्गद्वारी हम लोग जा रहे हैं तो आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं किस तरीके का आवाज़ आ रहा है। आवाज़ कभी इस साइड में सुनाई दे रहा है, कभी उस साइड में सुनाई दे रहा है, कभी इधर सुनाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रहा है। दोस्तों अभी हम लोग फिर हार गए, बाइक पे बैठे बैठे चढ़ते चढ़ते और फिर बाइक को खड़ा कर दिए हम लोग, बहुत चढ़ाई था। HF डिलक्स बाइक गर्म हो गई है और पनिया पहले देख फ्रिज से जेतर निकलेगा। अरे पानी बहुत ठंडा है, जैसे लग रहा है फ्रिज से पानी आया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों। ये देखिए बाइक पे तो चलते चलते बाइक गर्म हो जा रही है, इतना चढ़ान है ऊपर। इंडिया में इसीलिए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन बराबर है, इसीलिए इंडिया में HF डिलक्स बाइक उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चलता है। और यहाँ पर HF डिलक्स नेपाल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहाड़ पे चढ़ने में बहुत टाइम लेती है, एक नंबर दो नंबर में चल रही है। और हुंडा शाही सबसे ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है, हुंडा शाही एकदम दबा के चलते जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों हुंडा के बाइक में बहुत दम है, साला हीरो का बाइक में दम ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है, एकदम पोई 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 कर रहा है, पहाड़ पे नहीं चल पा रहा है। अरे वो बड़ा बैठा कर रहा है, डर था ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं स्वर्गद्वारी मंदिर, तभी भी रास्ते में है। और देखिए एक भाई साहब, नेपाली भाई साहब मिल चुके हैं। नेपाली बोल दे हाय, सब्सक्राइब कर लो। तो ये पहाड़ वगैरह आप सरकारी गवर्नमेंट कोर्स हैं क्या? नहीं प्राइवेट है, हम कल्पना के लिए छिल्टू करते हो ना, धूप बेचते हो ना, धूप पलम चाल टीमर बेचते हो यार। तो यहाँ पत्थर उत्थर हटा रहे थे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आता नहीं, हम खेलते हो पत्थर घर बनाने के लिए। अच्छा घर बनाने के लिए, घर बनाने हम यहाँ से, यहाँ इतना नहीं पत्थर से बनाते हो ना इतने। अच्छा अच्छा, ये पत्थर यहाँ से लेके जाएंगे आप घर बनाने के लिए? हाँ हाँ। अच्छा उसमें टोकरी में रखेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, उसके बाद घर बनेंगे। चलो दोस्तों हम लोग यानी गवर्नमेंट की ओर से पत्थर वगैरह गिरा है तो ले हटा रहे हैं रास्ते से। नेपाल कैसा लगता है?
नेपाल खास ठीक नहीं है, खास ठीक नहीं है। नेपाल जगह बहुत ठीक है, नेपाल का जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था ठीक नहीं है नेपाल में। अच्छा, इंडिया कैसा है? इंडिया टू हम सुनते हो इंडिया ठीक है, इंडिया अमीर। इंडिया कभी गए हैं? हम एक बार गए, बढ़नी गए एक बार, बढ़नी हाँ, 4-6 दिन के लिए। उधर का एरिया कैसा है? एरिया उधर एरिया तो ठीक नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था ठीक है, वहाँ अमीर अमीर आदमी बसते हैं, वहाँ सब सेवा सुविधा है ना। गर्मी वगैरह ज्यादा पड़ता है यहाँ के वातावरण बहुत अच्छा है। ठंडी में तो यहाँ पर पूरा बर्फ जम जाता होगा, जम जाती है, पूरा बर्फ जम जाती है ना। तो दोस्तों ठंडी में बर्फ जम जाती है। अभी हम आए हैं अगस्त सितंबर में आए हुए हैं हम, सितंबर है ना वो, अगस्त हाँ सितंबर में हम लोग आए हुए हैं। अगस्त 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 सितंबर शुरू हो गया, सितंबर है आज, 2-3 सितंबर है, तो 3 सितंबर का है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सा चलती है, बाइक में कौन सा गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है? पल्सर। बस यही दो गाड़ी चलती है, पहाड़ों और सब जगह चल जाती है। तो दोस्तों दो गाड़ी बढ़ जा रहा है, एक पल्सर है और एक हुंडा साइन है। ये दो गाड़ी नेपाल में सबसे ज्यादा हम देखे भी हैं। बाकी ये सब तो लल्जू पंजू गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये चलेगा ही नहीं गाड़ी, तो चलाएंगे क्या लोग? कोई खरीदेगा ही नहीं है ऐसा गाड़ी, क्योंकि अगले बार हम लोग गए थे तो वहाँ पर थोड़ा कम चढ़ाई था, तो हम लोग को लगा कि HF डिलक्स बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन HF डिलक्स बहुत बेकार गाड़ी है, सबसे बेकार गाड़ी है। अगर आप लोग पहाड़े में लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, पहाड़े एरिया घूमने जा रहे हैं, तो आपका गाड़ी ये फ्लॉप, ये गाड़ी कभी मत खरीदिएगा। नेपाली भाई हम लोग का गाड़ी चला कर चेक करने वाले हैं, ये देखिए कैसा चल रहा है, ये देखिए हम लोग का गाड़ी ट्राई मार रहे हैं। ये गाड़ी इंडिया में पहाड़ी एरिया इलाका में चलेगा कि नहीं? चालू हो गया, लेकिन भागने जा सारे नेपाली के लिए भाग जाए तो इंडिया में चल रहा, इंडिया चल रहा नहीं करी। तो दोस्तों नेपाली गया है बाइक हम लोग का चेक करने पहाड़ी एरिया में, मॉडल बाइक चले गए कि नहीं। अभी आता है उधर से लेके आ रहा है नेपाली, तो हम पूछ रहे हैं उससे मतलब इसका रिस्पॉन्स क्या है, इधर चलने वाला है कि नहीं। उधर चला गया, पहाड़ी एरिया में बाइक चलने वाला है कि नहीं, तो हम तो बताएंगे। HF डिलक्स और कोई भी बाइक खरीदने जा रहे हैं तो खरीदें मत, बादलों में बिल्कुल वो पानी गिर रहा है वहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो बारिश वाला बारिश वाला पानी है, वो बहुत तेज पानी है उस पर, पहाड़ों पर बरस रहा है, और यहाँ पर नहीं बरस रहा है, और जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो धूप है। नेपाली भाई आ रहा है हाथ छोड़ के चला रहा है, देखो तो ये गाड़ी कैसा है चलाने में? ठीक है, उसके जैसा चल रहा है, पांच के लिए जो ठीक नहीं है। हाँ तो ये पक्की रास्ता में ठीक है, हम चलते हम कच्ची रास्ता में चल रहे हो, इधर उधर होते हो ना। अच्छा, ये भी खास ठीक नहीं है ये कच्ची में, तो कौन सा गाड़ी ठीक है इधर के लिए? पल्सर ठीक है, पल्सर ठीक है, 125 तो है। अच्छा, हम लोग के एरिया में बहुत चलती है, हम लोग के एरिया में सबसे ज्यादा गाड़ी चलती है, इधर के लिए नहीं सही है, इधर तो चल ही नहीं पाए, इधर से नहीं चल पाए, हीट होगा यार। नेपाली भाई बोल रहे हैं पक्की पे चल रहा है तो ठीक है गाड़ी, देखिए ये नेपाली भाई बोल रहे हैं पक्की पे चल रहा है तो गाड़ी ठीक है, हाँ नहीं तो कच्ची पे तो बाइक चलेगी ही नहीं, मतलब नेपाल में कच्ची ये रास्ता ऐसे चढ़ने के लिए बनाया गया तो उस पर चलेगी नहीं। 125 cc होंडा साइन ये भी चलती है, बोल रहे हैं मस्त चलती है, इस पर 2 नंबर में चलती है, 1 नंबर में नहीं चल पा रही है,
वो एक नंबर में नहीं चल पा रहे। दो आदमी दो नंबर और सिंगल एक नंबर में तीन नंबर में चलेगी ये गाड़ी, चार नंबर नहीं तीन नंबर सिंगल, ऐसे रोड पे जैसा रोड हम आपको दिखाए। तो दोस्तों धूप का लकड़ी है, छोटा ही 50 मिलेगी, ये देखिए इतना अच्छा क्या हम लोगों को एक नेपाली मिल गया है, नेपाली भाई, और ये धूप की लकड़ी हम लोगों को, ये अमीर आदमी अच्छा आदमी और वो 50-40 रुपए का, तो हम लोग जो है कि धूप का लकड़ी ले लिए, ये बहुत अच्छे आदमी है, लेने का हम लोग का महक रहा है, काफी अच्छा महक रहा है, इनका थोड़ा सा कमाई भी हो जाए, हम लोग का भी कमाई हो जाए, इनका भी कमाई हो जाए, हम लोग घूमने आए हैं तो थोड़ा इनका भी ठीक है। आपका इतना ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत स्वर्ग दुआरी, ओ यहाँ से यहाँ घूमे हुआ, ओ बस 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 बस। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग स्वर्ग दुआरी मंदिर, अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का है, पहाड़ों पे आप देख सकते हैं सीढ़ी बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है स्वर्ग दुआरी, कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पर कुछ इतना ही गाड़ियाँ खड़ा है। स्वर्ग दुआरी प्रभुनाथ मंदिर, पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने। स्वर्ग दुआरी गेट के बाहर का ये पूरा सीन है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आए हैं, काफ़ी ठंडा हवा है, धूप इतना हुआ है लेकिन ठंडा मस्त चल रहा है हवा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग इतना दूर इतना लंबा सफ़र करने के लिए क्या जुगाड़ लगाए थे, यहाँ पर देखिए रबड़ से हम लोग दो बैग को बांधे थे, और अब यहाँ से हम लोग बैग लेंगे, यहाँ पर कपड़ा है, नहाए वहाएँगे तो पूजा वूजा करने जाएंगे, अब हम लोग पीठ पे टांगेंगे बैग। लंबा सफ़र करते हैं तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, रबड़ वगैरह से बांध लेते हैं साइड में, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं श्री स्वर्ग दुआरी आश्रम प्रवेश द्वार। चल रहे हैं अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का नज़ारा बनाया गया है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। अब बैक साइड में कुछ इस तरीके का श्री स्वर्ग दुआरी, कुछ इस तरीके का नज़ारा आप देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो आगे सीन रहेगा दिखाने वाला दिखाएंगे। सीढ़ी कुछ इस तरीके का बना है, आप थकेंगे नहीं, आराम आराम से चलेंगे तो।